हेलो गाइस, सो मैंने जैसे कि आपके साथ में शेयर किया कि मुझे 10 घंटे की ट्रैवल कार जर्नी से भारत ने इंसिस्ट फिर से हो गया 14 मंथ्स के बाद में। मुझे क्या लगता है कि वो क्यों हुआ, ये मैंने आपके साथ में फर्स्ट ब्लॉग में शेयर किया है। नाउ दिस इज डे जीरो, जब मुझे अभी तक मैंने आपके साथ में लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने सोफ्रामाइसिन लगाई थी ताकि कि वो जो बॉइल है वो बैठ जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बॉइल नहीं बैठा और मुझे फाइनली भारत ने इंसिस्ट हो ही गया। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मुझे कार में पता समझ में आ गया कि मुझे अब हो गया है इंसिस्ट। उसके बाद में मैंने हल्का हल्का सा, जब रात को होटल में गए रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने, मतलब नॉट इन आवर होटल, किसी रेस्टोरेंट में जब खाना खाने के लिए गए, देन आई जस्ट टच्ड इन बाथरूम एंड मुझे समझ में आ गया कि हो गया बाथरूम इंसिस्ट। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मतलब जैसे हो जाते हैं, क्योंकि घर पे मैनेज करने की आदत है और मोस्टली घर पे होता है ना, या फिर किसी के घर जाते हैं तो होता है ऐसे। ट्रैवलिंग में तो फर्स्ट बार हुआ, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और अभी भी बहुत परेशान हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं यार मैं इसे कैसे मैनेज करूँगी, है ना। मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा था कि पूरा ट्रिप ख़राब हो जाता है, नॉट ओनली आवर, हमारे साथ में जैसे मेरे हस्बैंड आए, मेरी बेटी आई है, सब परेशान हो जाते हैं, तुम ना चल पा रहे हो, ना बैठ पा रहे हो, ना सो पा रहे हो। मतलब मेरा घर पे तो इतना ही बुरा हाल होता था और मेरे को दर्द से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं कुछ पेन किलर ले लेती हूँ, ठीक है। फिर मैं पांडिचेरी में, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया क्योंकि मुझे एक बार ऐसा लगा कि मतलब मैं उनको परेशान नहीं करना चाह रही थी, शायद मेरी बेटी को पता था। फिर मैं ऐसी नॉर्मल, मैंने कहा मेडिकल शॉप पे रुको, मुझे कुछ सामान चाहिए। तो मैंने फिर उनसे लिया पेन किलर, मैंने सोचा पहले पेन किलर ले लेती हूँ। तो मैंने पेन किलर लिया, तो कुछ ऐसे पेन किलर उन्होंने दी जो मैंने कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन मैंने जब ऑनलाइन सर्च किया तो वो पेन किलर तो थी, बट पेन किलर लेने का उतना मन नहीं था, दवाइयाँ वगैरह लेने का उतना मन नहीं करता है मेरा। तो फिर मुझसे ले नहीं गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया फाइनली कि मुझे ऐसे ऐसे हो गया है, तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, तुम पेन किलर अगर तुम्हें लेना है तो तुम डोलो लो। उन्होंने बोला कि दिस इज़ द सेफेस्ट पेन किलर जो इंडिया के अंदर रिकमेंडेड है, इसके अलावा कि कोई और पेन किलर तुम मत लो। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझे डोलो ला के दिया, और इस टाइम पर मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है कि स्टेफ्री या विस्पर ले लो। विस्पर भी नहीं मिल रहे थे यार पौंडीचेरी में, स्टेफ्री लिया फिर मैंने, ठीक है। तो फिर स्टेफ्री मत लेना, इतना अच्छा नहीं है, जब उस पर से ऐसे लगाते हैं ना वो चिपकते ही नहीं है, मतलब आपके अंडरवियर पे पता नहीं कैसे ऐसे थे। फिर हमने दो चीज़ हम लोगों ने ली, ठीक है, मतलब आज, मतलब कि कल डे जीरो पे हम लोगों ने ये दो चीज़ ली। उसके बाद में फिर मैं अपने होटल रूम के अंदर चली गई, ठीक है। और मेरा जो होटल रूम था ये भी थोड़ा नेचर लिविंग टाइप का था, कि मैंने आप लोगों के साथ में ब्लॉग्स में शेयर करूँगी, ठीक है। तो उसको जो बाथरूम था, उस बाथरूम के अंदर लिटरली छिपकली थी भाई, छिपकली वाले बाथरूम के अंदर एक पार्टी के जिस जो आदमी जिसको हुआ है लड़की को, उसके लिए बाथरूम ही सब कुछ होता है, मतलब बाथरूम से इतना प्यार होता है उस टाइम पे मुझे कि सिक्स पैक लेना है, क्रीम्स लगानी है, ठीक है, और या फिर सेक करना है, सब कुछ तो हम वहीं जाके करते हैं, तो गर्म पानी ही सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है उस टाइम पे। तो उस छिपकली वाले बाथरूम के अंदर बिकॉज इतना दर्द था और था तो कुछ नहीं कर सकती थी मैं, तो मैं उस छिपकली वाले बाथरूम के अंदर गई, ठीक है। इसमें जब मैं गई तो फिर मैंने उसमें ना एक टब था, एक मगा था, और सबसे में छोटा सा किचन था, तो थैंक गॉड उनके पास में सॉल्ट था, टेबल सॉल्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मग के अंदर थोड़ा टेबल सॉल्ट डाला, उसके अंदर ऐसे गर्म पानी डालती गई, गर्म पानी डालती गई मैं। गर्म पानी डालने के बाद में फिर मैंने उससे ऐसे ऐसे करके अपना वो वाला पार्ट थोड़ा सा धो लिया, काइंड ऑफ इस तरह से मैंने 10-11 बार किया, यही सेक किया मैंने, क्योंकि बैठ के मैं सेक कैसे करूँगी ना, तो मैंने वो किया, मुझे रिलीफ मिला, मुझे कल इस चीज़ से रिलीफ मिला था, ठीक है। उसके बाद में एक और महान बात थी कि वो जो केक हाउस जो था उसके अंदर जो सोने की जगह थी वो ऊपर थी, जैसे स्टेयर्स चढ़ के तुम ऐसे नॉर्मल बनी ऊपर जाओ और फिर वहाँ जाके सो। अब उसमें क्या था कि वैसे तो शांति थी कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, अभी तक आपको डर लगता है ऐसे नेचर लिविंग के अंदर छिपकली कॉकरोच वगैरह कुछ कुछ होते हैं, तो हम मच्छरदानी के अंदर सो रहे थे, तो मैं तो बाहर नहीं निकली, मैं सीधा मॉर्निंग के अंदर ही बाहर निकली। बट उस दिन रात को मैंने एक डोलो लिया था पेन के लिए, है ना, क्योंकि होटल वो रेस्टोरेंट वगैरह में जब बैठे थे तो हालत एकदम ख़राब हो गई थी, तो ऐसे डोलो मुझे लेनी पड़ी, ठीक है।
और उस टाइम तक मुझे सिस्ट भी हो गया था और मेरे को समझ में आ गया था कि हाँ मुझे बैथोरिन सिस्ट हुआ है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर भी हम उसी रूम में उसी बॉटल में नहाना वगैरह होता है ना, तो उसी के अंदर ही मैंने सेम प्रोसेस किया कि मैंने मॉर्निंग के अंदर फटाफट वॉशरूम वगैरह जाने के बाद में सबसे पहले मैंने नहाया अच्छे से, और नहाते जो टेबल सॉल्ट था उसको मैंने उस मग में डाला। सॉल्ट जरूर डालना क्योंकि सॉल्ट डालने से ही क्या होता है कि वो जल्दी पकता है ना, और वो पुश करता है पस को निकालने के लिए। तो मैंने हर मग में सॉल्ट डाला, मैंने बाल्टी में भी डाल लिया था सॉल्ट काफ़ी सारा है ना, बाल्टी में भी डाल लिया था, और फिर मग से ऐसे ऐसे करके काफ़ी देर तक पानी वहाँ पे मैं करती रही। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी थी कि वहाँ पे गर्म पानी आ रहा था। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि वो मैंने किया, उसको करने के बाद में मेरे को थोड़ा सा पेन कम लगा, और फिर मैंने डोलो भी ले लिया। मैंने एक्चुअली नाश्ते के बाद में लिया था, पहले ब्रेकफास्ट किया उसके बाद में मैंने डोलो लिया, और फिर हमें वहाँ से चेकआउट करना था, हमारा दूसरा होटल बुक था। ये ना थोड़ा नेचर लिविंग का ऐसा सिस्टम था, तो थोड़ा छिपकली विपकली यार वो सब चीज़ें थी। मैं यार आपके साथ भी शेयर करूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, दोनों ही बातें थी, अच्छा भी था बुरा भी था, किसी को चलता है तो ठीक है। तो उसके बाद में वो बाथरूम वाला तो मुझे थोड़ा कंफर्ट कम आ रहा था, गर्म पानी था मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत सी चीज़ तो अच्छी थी, उसके अलावा मुझे कंफर्ट कम आ रहा था। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने अपने दूसरे होटल के अंदर चेक इन कर लिया। 12 बजे तक हम लोग वहाँ से पुराने होटल तक जाके 12 बजे तक हम दूसरे होटल में चले गए। काइंड ऑफ ही मेरा डे वन हुआ बैथोरिन सिस्ट का, क्योंकि आप पुराने वाले को तो डे जीरो ही मानोगे, क्योंकि तब तक कुछ पता भी नहीं था ना कि है कि नहीं है। हल्का हल्का सा सिस्ट था, हल्का हल्का सा दर्द था, लेकिन अब डे वन तक प्रॉपर सिस्ट हो गया था भाई, समझ में आ रहा था कि हाँ है। अब सेकेंड डे कैसे मैनेज किया, क्या किया, आपको साथ में मैं शेयर करूँगी।